हेलो नमस्कार। संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। कुछ स्टूडेंट्स का प्रश्न भी है ये, और ये समस्या भी है हमारे समाज में। मैं म्यूजिक की ओर से ही बात करूंगा। हर जगह म्यूजिक की जो प्रैक्टिस हो रही है और जो लोग सिखा रहे हैं और जो सीखने वाले हैं, एक एक प्रॉब्लम है जिसके कारण जितने मात्रा में स्टूडेंट लोगों की तैयारी होनी चाहिए और जितने अच्छे सिंगर्स हमारे आने चाहिए और उसमें कमी आ रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है प्रैक्टिस का तरीका। आप जो प्रैक्टिस करते हैं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से ऐसा सुना हूं, जैसे कभी कभी बात होती है, कोई स्टूडेंट कॉल करते हैं कि मुझे सीखना है, क्लास शुरू करना है या कुछ, तो वो जब बात करते हैं तो जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप पहले क्या सीखे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं 20 अलंकार कर चुका हूं, 25 अलंकार कर चुका हूं, 40 अलंकार कर चुका हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिले मुझे जो कि बोलते हैं कि मैं बहुत सारे अलंकार किया हूं प्रैक्टिस। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिले जो अलंकार तो किए ही किए हैं, बहुत सारे राग भी किए हैं, परंतु जब मैं उन्हें गाने के लिए कहता हूं तो जिस तरह तोता मतलब किसी चीज को पढ़ता है बिना समझे हुए, ठीक उसी तरह स्टूडेंट उसको बिना समझे हुए गाता चला जाता है। एक अलंकार गाया, दूसरा अलंकार गाया, तीसरा अलंकार गाया, गाता चला जाता है। लेकिन जब उससे ये पूछा जाता है कि बीच के स्वर में से किसी स्वर को बोलो, तो वो समझ नहीं पाता है। वो कहते हैं कि मुझे ये बताया नहीं गया है। तो मैं एक तो सभी म्यूजिक के जो गुरु हैं उन सब से आग्रह करूंगा कि जो स्टूडेंट को अलंकार का प्रैक्टिस कराया जाता है, उसके उसे केवल प्रैक्टिस ना कराया जाए बल्कि उसको समझाया भी जाए कि स्वर की दूरी क्या है। जो हम स्वर गाते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा, अब इसमें जब अलंकार प्रैक्टिस करते होते हैं और स्टूडेंट को समझाया नहीं जाता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, बिल्कुल इसी तरह गाते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। अगर उन्हें कह दिया जाता है कि अभी सा बोले और फिर उसके बाद मा बोले, फिर उसके बाद ध बोले या किसी और नोट को, तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं एक चीज एक्सपेरिमेंट है मेरा ये, और मैं अनुभव किया हूं इस स्टूडेंट को सिखाने पर, कि अगर शुरू में स्टूडेंट को केवल स्वर को समझाया जाए तो वो बेहतर गाता है और जल्दी गाता है। तो जो वो 5 साल 10 साल सीखने के बाद स्वर का जो ज्ञान होता है उसे, वो उसे मैं समझता हूं साल भर के अंदर कराया जा सकता है। और स्टूडेंट, हाँ ये जरूर है कि कुछ स्टूडेंट धैर्य नहीं रखते हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दबाजी करते हैं आगे बढ़ने में। उनको सारे गामा पाधा निसा सिखाए तो उसके बाद वो दूसरे ही वीक में, दूसरे क्लास में कहते हैं कि हाँ सारे गामा पाधा निसा हो गया गुरुजी, अब क्या करना है। तो ऐसे स्टूडेंट को निश्चित रूप से मुश्किल होती है करने में, सिखाने में। अगर वो स्टूडेंट, उन स्टूडेंट को भी मैं ये कहूंगा कि आप धैर्य रखा करें। सारे गामा पाधा निसा का मतलब यह नहीं है कि आप सारे गामा पाधा निसा याद कर लिए और गा लिए, नहीं। सा से सातक को समझने की जरूरत है। सारे गामा सारे गामा पा सारे गामा पाधा सा, हर नोट से सा पर जो आते हैं वो बिल्कुल सुर में आना है। सारे गा मा पा दा नी सारे गा मा पा दा नी सा, उसी तरह अलग अलग स्वर है। जब हम बात करते हैं, एक बार सा वाइब्रेशन जो है हमारे दिमाग में बैठ जाता है, सा ये नोट है सा, ठीक है। अब आपसे मैं बात करूंगा उसके बाद भी वो नोट वही रहेगा सा, इसी तरह हर एक नोट अपनी जगह पर है और हर नोट जो है उसका वाइब्रेशन सेट है, वो चेंज नहीं होता। तो आप बात करें या कोई दूसरे नोट को गाते हैं फिर भी वो नोट बजना चाहिए। जैसे देखिए, सारे गा मा पा धा धा धा, अब ये धा हर हमेशा वहां रहेगा। मा गा रे सा धा सारे सा धा
गामा गा धा सा नी सा धा रे सा धा गामा पा मा ग रे सा नी धा धा। ये वाइब्रेशन है और वो जब आपके गले में सेट हो जाता है तब आप फ्री नोट गा पाते हैं। कोई भी नोट अगर गाते हैं गा गामा पा धा धा गा सा मा सा धा मा सा गा धा सा गा गा रे नी सा पा पा धा सा नी पा गा सा धा सा। इस तरह से हर एक नोट का कंट्रोल होना चाहिए और इसका प्रैक्टिस जो है वो बड़े धैर्य से करना पड़ेगा। आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो जो हमारे अच्छे गुरु हैं वो अगर आपको सिखाना भी चाहते हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। और जब तक गले में स्वर नहीं उतरेगा आप अच्छे कलाकार नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। उसी तरह हर इंस्ट्रूमेंट में ये बात है। इंस्ट्रूमेंट में भी जो हम फिंगरिंग करते हैं, जैसे वायलिन है, तो वायलिन में आप फिंगरिंग जब करते हैं तो उसमें कोई बार्स नहीं होते हैं, तो आपको उसके वाइब्रेशन के आधार पे जाना होता है, तो वो भी आपको इसी तरह सेट करना पड़ता है। ठीक है, तबला में भी जब हम तबला बजाते हैं तो तबला में भी जो सारे नोट्स हैं उसकी फिंगरिंग जो है वो हमें याद करना होता है, साउंड याद करना होता है, तभी हम अच्छा तबला बजा पाते हैं। इसीलिए तबला बजाने के लिए भी जब तबला के जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, वो आपके फिंगरिंग को जब सेट करते होते हैं तो आप जल्दबाजी ना करें। क्योंकि मैं ये अनुभव किया हूं कि जब स्टूडेंट को कोई तबला पर भी अगर मान लीजिए फिंगर सेट करा रहे हैं और उनको फिंगर जो बजाने के लिए साउंड की जो क्वालिटी है वो निकालने के लिए जब उसे बजाने के लिए कहा जाता है तो वो एक चीज को बजाते बजाते बस थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं। एक मैं बताता हूं आपको, मैं हर हमेशा स्टूडेंट से एक बात कहता हूं कि अगर आप अपने रियाज करते समय जो आप बोर फील करते हैं, आप जो मन नहीं लगने लग जाता है आपको, जब तक आप उस पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक आप उस बोर को पूरी तरह फील करके उससे पार नहीं कर लेंगे आप अपनी नैया, तब तक आप दूसरे को बोर करेंगे। जो लोग आपका सुनने वाले हैं, जब आप गाएंगे, जब आप तबला बजाएंगे, जब आप वायलिन बजाएंगे या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर आप अपने को पूरी तरह साध नहीं लिए हैं, जब तक आप अपने को पूरी तरह परफेक्ट नहीं कर लिए हैं, तब तक आप दूसरे को बोर करेंगे। इसीलिए यह आवश्यक है कि अगर आप बोर होते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसे साध लें। बोर क्यों होते हैं? बोर होने का एक बहुत बड़ा कारण है, आपके अंदर में गोल नहीं है। जो हम कुछ गाते हैं, हमारे गाने में, जैसे मैं एक एग्जाम्पल, जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल कुछ देता हूं आपको। जैसे देखिए, एक सरगम गीत मान लीजिए मैं किसी को सिखाता हूं, सा मान लीजिए राग यमन है, नी रे ग म प ध नी सा सा नी द प म ग रे सा। अब इसमें एक सरगम गीत मैं बताता हूं आपको, नी धा पा मा पा गा मा पा 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 मा गा रे। अब ये सरगम गीत है, आप जब इसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप तुरंत बोर हो जाते हैं। क्यों बोर हो जाते हैं जानते हैं? क्योंकि आपका गोल जो है वो छोटा है, आपकी मंजिल जो है वो बहुत छोटी है, आपकी मंजिल है केवल याद कर लेना। इसीलिए क्या होता है, जब आप इस सरगम को याद कर लेते हैं, नी धा पा मा पा गा मा पा 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 मा गा रे, नी धा पा मा पा गा मा पा 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 मा गा रे, सा रे गा रे गा मा पा दा पा मा गा रे सा, नी रे गा मा पा दा नी सा रे सा नी दा पा मा गा मा। मान लीजिए ये सरगम आप याद कर लिए, तो जब आप याद कर लेते हैं, चूंकि आपकी मंजिल ऊंची नहीं है इसीलिए आप वहां से बोर होना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है
अब इसे याद तो कर लिए हैं, गुरुजी केवल इसी को रियाज करने बोल रहे हैं। आप गुरुजी की बातों को समझ नहीं पाते हैं। याद करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, प्रैक्टिस करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? याद नहीं करना है, याद तो हो ही गया, याद करने के लिए तो बहुत थोड़े से समय में आपको याद हो गया। अब इसे तैयार करना है। अब इसे तैयार करने का क्या मतलब है? इसमें परफेक्शन लाना। निधा पम प घम प प पम घरे निधा पम प घम प प पम घरे सारे घरे गम प ध पम घरे घरे सा सारे घरे गम प ध पम घरे घरे सा निरे गम प ध निधा रे धा निधा पम गम निधा पम प घम प पम घरे निधा पम प घम प। इस तरह से हमें ध्यान में यह रखना है कि हम इसे कितना फास्ट तैयार सके कर सके स्वर में, बैलेंस में, तो आपकी मंजिल जो है वो बड़ी होगी, ऊंची होगी, तब आपकी तैयारी होगी। और जब आप प्रैक्टिस करते होंगे तो जब तक ये मंजिल नहीं मिल जाती है आपको तैयारी की, तब तक आप बोर नहीं होंगे, तब तक आपको मन में लगेगा नहीं मैं करके छोड़ूंगा, इसे करूंगा प्रॉपर, तभी जो है सो मैं मानूंगा। जब आपको ये लगन होगी मन में और ये मंजिल प्राप्त करने का जो एक एक जो जिज्ञासा है, जो एक प्रेरणा है, ये अगर आपके मन में होगा तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे रियाज से। सारे गामा पधा निशा है, हम सारे गामा पधा निशा का रियाज करते हैं, क्यों ना हमारी तैयारी सारे गामा पधा निशा उन गुरुओं की तरह तैयारी हो और ऐसी स्पीड में मशीन की तरह तैयार हो हमारा सारे गामा पधा निशा, जिससे कि हम अच्छी चीज को गा सकें, तैयारी में गा सकें। यह मंजिल क्यों नहीं होती है? अगर यह मंजिल होगी तो आप सारे गामा पधा निशा करने में भी बोर नहीं होंगे, ठीक है? इसीलिए ध्यान रखें कि हमें प्रैक्टिस करना है अधिक से अधिक। कहीं भी सीखते हैं, किसी भी गुरु के पास सीखते हैं, अगर वो गुरु आपको सही मायने में सिखाना चाहते हैं तो आप तैयारी पर ध्यान दें। हां, एक बात मैं जरूर बोलूंगा क्योंकि मुझे अनुभव है इसका भी, कि आप तैयारी अपने लगन से खूब कर रहे हैं परंतु उसके बाद भी गुरु आपको बढ़ा नहीं रहे हैं, या बिना मतलब के समय पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, आपकी क्लास सही नहीं चल रही है, जल्दी जल्दी आप मूव नहीं कर रहे हैं अपनी तैयारी के बावजूद, तो निश्चित रूप से आपको सावधान होना चाहिए। तब आपको या तो गुरु बदलना होगा या आपको समझना होगा कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर गुरु सच्चा है, ईमानदार है और आपको सही मायने में तैयार करना चाहता है, तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके दें गुरु को। गुरु को यह लगने लग जाए कि यह स्टूडेंट इसे इतना तैयार कर चुका है, अब इसे रोका नहीं जा सकता, गुरु को ऐसा लगना चाहिए, तब आपको गुरु रोकेगा नहीं और गुरु आपको आगे की ओर ले चलेगा। अगर गुरु ईमानदार है, गुरु में गहराई है, गुरु में वाकई में जानकारी है, गुरु वाकई में तैयार सिखा सकते हैं, तब है ना। तो यह सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको अच्छी तैयारी होनी चाहिए, और जब भी आप प्रैक्टिस करें तो तैयारी के लिए प्रैक्टिस करें, परफेक्शन की तैयारी, परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस करें, याद करने के लिए नहीं, ठीक है? चलिए, इतना ही टिप्स मैं इस वीडियो में आपको देना चाह रहा था। अच्छी तरह तैयारी करें, मैं फिर किसी राग या ताल या किसी भी गाने के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारी जानकारियां आपको इसमें मिलेगी। संगीत में जो रहस्य है वो सभी रहस्य को मैं धीरे धीरे इसमें खोलता जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से सुने और अच्छी तरह इसे सुने, प्रैक्टिस करें इसके आधार पे, है ना, तो आपको निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, और लाइक बटन दबाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, कमेंट करेंगे तो हमें उत्साह बढ़ेगा और अच्छा काम करने का, है ना। तो इसीलिए ये सारी बात आप ध्यान में रखें, फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।